पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता तो फिर क्रिकेट टीम के कप्तान की गारंटी कौन लेगा। नवंबर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान ने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से हटा दिया था। उसके बाद तीनों फॉर्मेट में अलग अलग प्लेयर्स को कप्तानी दी गई, उसमें भी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी और अब T20 वर्ल्ड कप से पहले शाहिन शाह अफरीदी को सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। 2024 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से बाबर आजम पर भरोसा जताया है और अब दोबारा बाबर को T20 की कप्तानी सौंप दी गई है। ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति की सिफारिश के बाद लिया गया है। जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय शाहिन शाह अफरीदी को टीम की कप्तान संभाल रहे थे। इसके बाद से ही उनकी कप्तानी पर खतरा मंडराने लगा था। बाबर आजम को कप्तानी मिली लेकिन उसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। उनके धुर विरोधी माने जाने वाले इमाद वसीम ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास वापस ले लिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर की बात करें तो उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए चयनकर्ताओं को अपनी उपलब्धता के बारे में बता दिया है। दोनों ही खिलाड़ियों के संबंध बाबर आजम से बहुत अच्छे नहीं है। इमाद वसीम तो कई बार खुले स्टेज से बाबर आजम के बारे में भला बुरा कह चुके हैं। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान तो घेरेबंदी करके पूर्व खिलाड़ियों ने मीडिया के साथ मिलकर बाबर आजम के खिलाफ माहौल बनाया था। ऐसे में अब उनकी बतौर कप्तानी वापसी के कम से कम इमाद वसीम तो बेहद परेशान होंगे। पीसीबी प्रमुख नकवी के साथ लाहौर में हाल ही में एक बैठक के दौरान बाबर ने कथित तौर पर अपने कार्यकाल को लेकर आश्वासन के साथ टेस्ट टीम का कप्तान भी नियुक्त करने की मांग की थी। पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र ने खुलासा किया कि नकवी ने बोर्ड के रुख को स्पष्ट करते हुए संकेत दिया कि बाबर को सफेद गेंद के प्रारूप में पर्याप्त मौका दिया जाएगा लेकिन टेस्ट कप्तानी पर कोई फैसला बाद में किया जाएगा। मौजूदा समय में शान मसूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान हैं। सूत्र ने बताया कि इस घोषणा से पहले चयनकर्ता मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, वहाब रियाज, अब्दुल रज्जाक और बिलाल अफजल ने शनिवार शाम को काकुल में अभ्यास शिविर के दौरान शाहिन से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वे चाहते हैं कि शाहिन अपने गेंदबाजी पर ध्यान केंद्रित करे। उन्होंने शाहिन से कहा कि सीमित ओवर में प्रारूप में ये बेहतर होगा अगर कोई बल्लेबाज कप्तानी करेगा। सूत्रों के मुताबिक शाहिन ने ज्यादा विरोध किए बिना इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि सिर्फ एक श्रृंखला के परिणाम के आधार पर उनका आकलन करना अनुचित है। हाल के शाहिन पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने में सफल नहीं रहे जिससे ये टीम अंक तालिका में आखिरी पायदान पर रही। उनका अपना प्रदर्शन भी प्रभावी नहीं था। शाहिन की कप्तानी जाने से शाहिद अफरीदी ने खासी नाराजगी जताई है। इसके अलावा मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पर भी काफी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड कप 2024 को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी चयनकर्ता आमिर को वापस लाने का सोच रहे हैं जिससे पाकिस्तान की बॉलिंग को मजबूती मिलना स्वाभाविक है। हालांकि आमिर फिक्सिंग के आरोप के चलते कई सालों से टीम से बाहर है। 2024 PSL में उनका प्रदर्शन बहुत खास था जिसके चलते वो चयनकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स चिंटी को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें।